तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ाकिर हुसैन व्लॉग्स। तो ये ग्लोरास वैली में मैं अभी हूँ। काकूज से तकरीबन 15-20 मिनट के सफ़र के बाद आप लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं 3 साल पहले यहाँ पे आया था और यहाँ आते हुए मैंने रास्ता भी मैं थोड़ा भूल गया, तो बिलाखिर मैं यहाँ पे पहुँच गया। उस वक्त यहाँ पे मुझे बहुत ये जगह मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं इस दफ़ा आया था। लेकिन अभी मुझे यहाँ ये जगह बहुत सुनसान दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है। इसका वो मेन रीज़न ये है कि अभी 1 बजे कोई मस्जिद गए हुए, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कहीं पे गए हुए, तो यहाँ पे बहुत सुनसान आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। अगर आप यहाँ पे रश देखना चाहते हो तो आप लोग के तकरीबन 4 बजे के बाद आप लोग यहाँ पे आए, थोड़े रश आप लोगों को मिलेगा। यहाँ एक छोटा सा ग्राउंड है, यहाँ पे लोग आप लोगों को खेलते हुए मिलेंगे। तो अभी मैं अपना कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ कि यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा। ये जी ग्लोरास वैली जहाँ से मैं जा रहा हूँ, और इस तरह की व्यूज आप लोगों को ग्लोरास वैली में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और यहाँ पे देखे छोटे छोटे दरख्त भी लगाए हुए हैं। ये नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ जगह है। तो अभी यहाँ से इस तरह जाए कि इस तरह पार्क जाने के लिए रास्ता अभी तक हमें नहीं मिला है। और अंदर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये देखिए जी फिश फॉर्म, और इनके लिए पानी जी यहाँ से आ रहा है। और मछलियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, देखे इतना बड़ा फिश फॉर्म है। और आगे देखे वो भी फिश फॉर्म है। ये तेज हो रहे है देखे। एक और यहाँ पे देखे ये भी फिश फॉर्म है, ये लंबा था। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप लोग कभी गाकूच आए तो इस जगह की विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखें ये मेरा फिल्टर होता है यहाँ से। यहाँ पास में एक मस्जिद है और अज़ान हो रही है। ये फूल देखे, ओए ओए ये रेड कलर वाली मछलियाँ देखे। दो रेड कलर की मछलियाँ हैं। यहाँ पास पे कोई मदरसा है मेरे ख्याल में। देखें
भाइयों मछलियाँ नहीं है यहाँ पे, ये रेड कलर में क्यों है, ये रेड कलर में क्यों है यार, पता नहीं। वहाँ कौन से मदरसा जाते हो? आ जाओ यार, आओ यार, ये देखे, ये शर्माते क्यों हो भाइयों, इधर आओ आओ, आप इधर आओ। ये रेड क्यों है, ये रेड कलर में क्यों है ये मछलियाँ? इस तरह ही है ये? अच्छा, ये किसका है? होटल वालों का है ये भी। चल लो थोड़ा साइड तो भाई मुझे, ओके। और ये हमारा इंट्रेंस हो गया जी इस होटल में, ये पार्क भी कह सकते हो, होटल भी है ये। यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, बैठने के लिए देखे तो हम बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो ये चले यहाँ पे, हम थोड़ा सैर करते हैं, थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, कुछ नए हमें कुछ नया अगर हमें दिखा तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आप इंटरटेन हो आज की हमारी इस ब्लॉग से। हमें बहुत ज़्यादा सता रही है ये धूप, ऊपर से ये जैकेट तो इन लोगों ने बनाया है इस धूप से बचने के लिए। एक ये देखें, धूप से बचने के लिए जी इन लोगों ने बनाया है, और ये धूप से बचने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप यहाँ पे बैठ सकते हो और यहाँ पे लेट भी आ सकते हो, ठीक है कि नहीं? और व्यू यहाँ से दिखाता हूँ, व्यू यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये जगह जब अक्टूबर नवंबर के महीने में इसका ये सीन है, अगर आप लोग यहाँ पे जून जुलाई में आएंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, और आगे एक ग्राउंड है, पोल्स भी लगे हुए हैं, वहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ये पानी की इस साइड में, ये देखिए ये ग्राउंड है जहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ से जाना पड़ता है, यहाँ से जाते हुए यहाँ इस ग्राउंड में पहुँचना पड़ता है, और यहाँ आगे पानी है इसलिए मैं आगे नहीं जाऊँगा। यही से मैंने आपको ग्राउंड दिखाया, फुटबॉल का ग्राउंड, यार फुटबॉल खेलते हैं यहाँ पे। ये जी होटल छोटा सा, यहाँ पे कुछ मिलते हैं कि नहीं देखते हैं। पाकिस्तान का झंडा, बाइक बहुत ही हैवी बाइक लग रही है, देखें। यहाँ पे मेरे बर्तन धोते होटल वाले, इधर आगे गुजरने की जगह। जूस, जूस नहीं मिलता यहाँ पे, किधर दुकान? यही पे नहीं, इस पार्क में नहीं है दुकान। अच्छा, चाय मिलता है और रोटी कुछ। शुक्रिया भैया। थोड़ी प्यास बुझी अभी। तो जी बहुत ज़्यादा जी हमें लग रही है गर्मी, तो इस ब्लॉग को इसे आप करते हैं एंड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी,